नमस्कार, वेलकम टू मीनाक्षीज़ किचन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं शेयर करूंगी कद्दू के सब्ज़ी की रेसिपी, यानी पेठे की सब्ज़ी की रेसिपी। इसे हम प्याज और टमाटर के साथ बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये पेठा लिया है, ये करीबन 700 से 800 ग्राम लिया है मैंने। इसको हम छील के और क्यूब्स में काट लेंगे। तो मैंने ये काट लिया है और धो भी लिया था इससे अच्छे से। और जो सामग्री हम लेंगे, दो बड़े प्याज लिए हैं मैंने, इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है इस तरीके से। तीन टमाटर लेंगे, इनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। एक हरी मिर्च को मैंने बीच में से काट लिया है इस तरीके से। एक चम्मच हम अदरक लहसुन की पेस्ट लेंगे, आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक तेज पत्ता लिया है मैंने, एक चम्मच जीरा लिया है और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है मैंने। और जो मसाले लिए हैं मैंने इसके लिए, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टी स्पून गरम मसाला लेंगे हम इसके लिए। तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में हम दो बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। ऑयल गर्म होने पर इसमें हम तेज पत्ता, जीरा और दालचीनी डाल देंगे। गैस को मीडियम हीट पर ही रखेंगे और इन्हें चलाते रहेंगे। जब जीरा हमारा क्रैकल हो जाए तब इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो जीरा हमारा हो गया है, इसमें हम प्याज डाल देंगे और इसे भी हम साथ में ही सौते कर लेंगे। चला लेंगे इन्हें एक बार ही। प्याज को बीच बीच में चलाते रहेंगे। प्याज का हल्का कलर चेंज होने पर इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल देंगे और इन्हें भी हम साथ में ही सौते कर लेंगे। प्याज को हमें लाइट ब्राउन कलर होने तक पकाना है। तो प्याज हमारे सौते हो गए हैं, अब इसमें हम हल्दी और नमक डाल देंगे। इन्हें हम कुछ सेकंड के लिए ही पकाएंगे प्याज के साथ, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम कद्दू डाल देंगे जो हमने काट कर रखा है, और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्हें हम ढक देंगे और ढककर इन्हें हम स्लो गैस पे पकाएंगे। बीच बीच पे इसको हम चेक करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। जब कद्दू हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएं तब इसमें हम टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे और बाकी बचे हुए मसाले भी डाल देंगे। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर इसे हम पकाएंगे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे। कद्दू को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, अच्छे से गल ना जाए। आप चाहें तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं डाल रही हूँ इसके अंदर। एक बारी फिर से चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, टमाटर और कद्दू ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। इसे हल्का हल्का मैश कर लेंगे, एक बारी चला लेंगे इसे। तो सब्ज़ी हमारी तैयार होने ही वाली है, इसे हम 5 से 7 मिनट और पकाएंगे ढक्कन लगाकर।
तो ये देखिए सब्जी हमारी तैयार हो गई है, इसमें मॉइस्चर भी नहीं है अभी। लास्ट में इसके ऊपर हम धनिया पत्ती डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को हम गर्मा गर्म परोसेंगे। तो तैयार है हमारी कद्दू की सब्जी, इसे आप पराठे या चपाती के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।